किसान आंदोलन के महानायक क्रांतिकारी विजय सिंह की जयंती के अवसर पर उन्हें याद करना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो ही ऐसे महान व्यक्ति थे जिनकी वजह से किसानों को उनका हक मिला। देखिए, जब भारत का हर व्यक्ति ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए छटपटा रहा था, उसी समय में राजस्थान का किसान वर्ग भी जागीरदारों से मुक्ति पाने के लिए प्रयासरत था। उस किसान आंदोलन की एक रूपरेखा तैयार की और इस किसान आंदोलन की बागडोर साल 1916 में क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक ने अपने हाथों में ली। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कुठावली ग्राम के गुर्जर परिवार में हुआ था। इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि देशभक्ति से ओतप्रोत थी और इसी का असर उनके जीवन पर भी रहा। उत्पाद के लिए राजस्थान भेजा था। राजस्थान के बिजोलिया पहुंचकर उन्होंने किसानों को संगठित किया और उनमें जागृति पैदा की। वहां वे रात भर गाँव में जाकर किसानों की सभाई करते थे। उनके द्वारा किए जाने वाले भाषणों से किसानों को साहस मिलता था। इन्हीं भाषणों से किसान निडर हुए और उन्होंने लगान देना बंद कर दिया। विजय सिंह ने साल 1917 में ऊपरमाल किसान पंचायत नाम का संगठन स्थापित कर क्रांति का बिगुल बजा दिया। विजय सिंह के नेतृत्व में चल रहे किसान आंदोलन की ताकत के सामने आखिर ब्रिटिश हुकूमत और मेवाड़ सरकार झुक गई और 5 फरवरी 1922 को अंग्रेज सरकार के अधिकारी एजीजी हॉलैंड ने बिजोलिया आकर किसान पंचायत से समझौता कर लिया। इस महान क्रांतिकारी की गाथा से नई पीढ़ी को प्रेरणा लेने की जरूरत है।